कि भाई दो दो भाभियां, एक भाभी ये और एक भाभी हमारी वो रही। आज मम्मी होती कितना प्यार करती। और देखो हमारी भाभी सेवा में लगी हुई है। भाभी कहाँ गिरी आके यहाँ? चिड़िया बोलती है चें चें, इतना सुंदर भुदकती है इधर से बैठ, इधर से इतना सुंदर लगा तो क्या बताएं। अरे वाह, इतना बढ़िया सुंदर लगा हुआ है। बैठो बैठो भाभी, इतनी जल्दी भगाओगी, इतनी जल्दी सब कुछ सर्व कर दिया है। ये भाई दो दो भाभियां, एक भाभी ये और एक भाभी हमारी वो रही। विनू, नानी घर पे आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा, नानी घर पे बस नानी नहीं है बेटा, नानी होती ना, नानी पता आपको कितना प्यार करती है आज बहुत। भाभी आज आज मम्मी होती कितना प्यार करती, बहुत खुश हो जाती मम्मी, इतने खुश हो जाती है मम्मी को, इतना गले लगाती, बहुत खुश हो जाती। और विनी को तो कितना प्यार करती, बहुत प्यार करती मम्मी। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अभी पेड़ नीचे बैठेंगे मम्मी, पेड़ के नीचे लेटेंगे थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग थोड़ी देर ना पेड़ों के नीचे लेटेंगे, ये सुकून बस गांव में मिलता है और कहीं नहीं। और पेड़ के नीचे खाट बिछा के लेटने का ना मजा ही कुछ और होता है, कहते सब कुछ फेल है उसके आगे। और देखो हमारी भाभी सेवा में लगी हुई है। अरे भाभी यही सेवा इतना प्यार से आप वो कर रही हो ना, और क्या। अभिनी ने सिलेक्ट किया था मामा का केक। अरे भैया प्यार करवा लो भैया है। विनू भैया उठा ले, भैया उठा ले गया। गई विनी। भाभी क्या बना रही हो? भाभी हमारी चाय बना रही है। पापा कहाँ चले गए? पापा बता के चले गए। कहाँ गई थी भाभी? अच्छा भाभी ना एक साथ सब कुछ खिला देंगे आज, बिस्किट चिप्स नमकीन। अब चाय भी बनने लगी है भाभी, क्या क्या भाभी इतना कुछ खिला दो कि पेट में जगह नहीं है। अभी तो हम लोग सैफी से खाना खा के आए हैं। ये भाभी इससे अच्छा नाश्ता क्या होगा ये बताओ, सबसे अच्छा नाश्ता है ये। चाय आ गई भाई, चाय चाय चले मार। अभी मम्मी भैया, अभी पता मम्मी भैया अच्छा लग रहा है, कूलर ठंडी हवा दे रहा है। चार किसकी है भैया? चाय आलू पड़े हैं देखो ना कमरे में, मतलब खराब ना हो जाए मम्मी। जब कमरा खाली ट्यूब डाल तो पापा यहाँ पे पानी यानी भराई करते खेतन में, फिर हम लोग आएंगे लड़ाई झगड़ा होते तो फिर यहाँ पर सही है लड़ाई झगड़ा तो बहुत ही। हाँ। देखो मैं छोटा सा जीना ऊपर जाने के लिए। छोटा सा जीना है मम्मी, जब टाइम पूजा कमरा खरीद कर, ये पूजा का कमरा है, पूजा वाला कमरा। देखो यहाँ भगवान जी बैठे हुए हैं। मम्मी जे रही है, मम्मी जे रही। हाँ देखो मम्मी ये थी मम्मी, ये है मम्मी, ये मम्मी है। बहुत हमने जी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी थी मम्मी। नहीं नहीं बहुत सज्जन थी, ये भगवान जी हैं। ये वादी वो कलकत्ता की दम ले आई। हाँ
और ये वो रहे, ये कमरा थोड़ा ठंडा रहा है, ये कमरा भी ठंडा रहा है। जगन्नाथ भगवान ये कमरा बनो ना इसमें। हाँ, ये जगन्नाथ भगवान जी है, जगन्नाथ भगवान जी जो लाए थे यहाँ से। अच्छा, छोटे वाले ना यहाँ रखे हैं। भाभी कहाँ से कूदी थी, यहाँ से? कहाँ कूदी? और कहाँ भाभी कहाँ गिरी आके? यहाँ ये भाभी चोट बहुत लग गई होगी। भाभी नए काम करे भाभी ने, आप सही हो। पालक के बीज कहाँ? अच्छा ये हाँ, ये पालक लगी थी, पालक के बीज हैं ये। अभी देखो सौंफ, हाँ सोया, सोया चटनी बनाई पियो। पीछे सब वो मम्मी लगा के रखती थी ना सारी वो चीजें। ये देखो दूर दूर तक गेहूँ। हाँ बेटा थोड़ा, ये क्या खाते हैं? नहीं बेटा ये बीज है, स्पिनिच है ना, स्पिनिच उसके बेटा सीड्स हैं ये, फिर बाद में इन्हीं को डाल के ना फिर दोबारा से बेटा हो जाती हैं पालक। हाँ पालक पनीर खाते हैं ना हम लोग। और ये देखो यहाँ पर दूर दूर तक गेहूं के खेत। अच्छा ये अभी पके नहीं है फ्रेंड्स, ये देखिए ये अभी हरे हैं, दूर दूर तक गेहूं के खेत। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अरे वाह, पेड़ के नीचे यहाँ कितना ठंडक है, कितना अच्छा लग रहा है। ये पेड़ किसका भाभी? अरे हाँ तभी नहीं तो खटिया भी लेट लेट खा, पता है कि यहाँ लेट जाओ मुँह खोलो एक ना गिरता रहे। चिड़िया बोलती है चें चें, इतना सुंदर भुदकती है इधर से, इधर से इतना सुंदर लगा तो क्या बताए, है ना तो सुंदर लगा क्या बताए। डाल पे बैठती है पता, ये देखो कोई हो गांव के मजे ले रहा है भैया। देखो मम्मी चार भाई बैठो यहाँ पे, इसका आनंद ले मम्मी, ढोक से बैठेंगे। आलू कब खाने को मिलेंगे? कहाँ पे बनाएंगे भैया? वहीं पे? अच्छा यहाँ पे, हाँ फिर सही है। मीनू पेड़ के नीचे लेट के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, रिलैक्सिंग। अच्छा कह रही रिलैक्सिंग। सो फ्रेंड्स भैया अभी लेके आए हैं कंडे, यानी कि जिनको उपले भी बोलते हैं। तो अभी हम लोग ना भुने हुए आलू खाएंगे, तो भैया अभी पूरी तैयारी कर रहे हैं और भाभी बनाएंगी चटनी। भाभी चटनी कह रही बहुत अच्छी बनाती है। तो भुने हुए आलू खाने का ना बहुत दिनों से मन था, तो भैया इंतजाम कर रहे हैं, फिर आलू भुनेंगे आज, और आज करेंगे भुने हुए आलू की पार्टी। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं भाई, मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। कहते ना गाँव में तो भाई ये बेस्ट चीज़ है, आप खेतों के बीच बैठ के भुने हुए आलू खाओ। उपले आ गए, ये देखिए आलू भुनने के लिए दवाई पड़ रही है खेतों में। ये देखो भाई तैयारी चल रही है यहाँ पे कंडो, आलू भुनने की तैयारी अंशिका लगी हुई है, और भैया कंडे और लेके आ रहे हैं। हाँ यही तो करना है, छत से कूदना है। भाभी कूदे, अब तुम कूदो। वो कूद गया था, अभी कौन कूदा था छत से? छोटू कूदा था नहीं, मैं भी उधर खड़े हो जा के। चलो चोट लग जाएगी? नहीं वो लग गया था, मैंने इसे मैं नीचे उधर खड़ा था, ये कूद रही थी, कूद गई थी, वो कूद रहे हो ये तो टूट जाएगी अगर कूदी तो। हाँ तुम दिखा उधर, चलो दिखा उधर, वो ये कूदी, ये देखो ये बेलपत्र, बेलपत्र हिंदी में बोलते हैं, वो भी इनके पत्तों को पूजा में काम यूज किया जाता है। भोलेनाथ की आप जब पूजा करेंगे तो ये आप उसको चढ़ाएंगे, ये बेलपत्र उसी के काम में आता है। मैं नीचे करूँगी, ऊपर ऊपर आना पड़ेगा, तो मैं नीचे हूँ, तुम कूदो फिर। अच्छा तो फिर चलो ना, फिर छत से कूदा कूदा ही चल रही है। कुत्ता चढ़ाई दीजिए क्या ऊपर? कुत्ता चढ़िया होगा तो कूद पड़ी। अंशिका जा तो,
बीज खेतों में पीछे नंगे पैर चलो। अच्छा मम्मी, ये मकान बनी हुई है? मकान है हाँ, अपनी मकान है ना भाभी। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत बढ़िया लग रहा। फ्रेंड देखिए चारों तरफ खेत है, बहुत देखो खेतों में हम लोग चल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। पैरों में कितना सुकून मिल रहा है, अपने खेतों में चल रहे हैं। हाँ देखो पेड़ देखो आगे। बिना चावल पहन के चलूं? हाँ चलो। विनीश कर रही हूं, इतनी सॉफ्ट मिट्टी है। खेलंदे खेलंदे की तो अच्छी लग रही, नंगे पे खेला जा रहा है। ऐसा लग, मेरे को हाथ ही लगा लूं। नहीं हम हाथ नहीं लगाना है। खेलंदे मिट्टी बहुत बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। मिट्टी गांव की मिट्टी है। हां खेलंदे खेलंदे अच्छी लग रही, गांव की मिट्टी है। तो भाई यहाँ पर विनी खेतों में कर रही है खूब सारी मस्ती। और विनी कैसे लग रहा है आपको खेतों में अपने? अच्छा लग रहा है। स्लीपर पहन लो विनी, स्लीपर पहन लो। विनी ने बोला कि मैं बिना स्लीपर खेलूंगी सॉफ्ट सॉफ्ट मिट्टी में। और ये फ्रेंड्स पूरे मक्के के खेत हैं ये, और ये सब भाभी के खेत हैं दूर दूर तक। ओहो बेटा इतनी, चलो पहनो, मामी लेके आ रही है स्लीपर। चलो आगे चलो, आप ग्रैंडमा के पास पहुंचो। Thank you.